राहुल गांधी के उस बयान पर हंगामा हो गया जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत को दुनिया में रेप कैपिटल के तौर पर जाना जाता है। बीजेपी सांसदों, खास तौर पर बीजेपी की महिला सांसदों ने इस बयान को लेकर राहुल गांधी से माफी की मांग की है और सदन में नारेबाजी भी की। बीजेपी स्मृति ईरानी ने कहा कि यह इतिहास में पहली बार है कि कोई नेता स्पष्ट रूप से यह कह रहा है कि भारतीय महिलाओं का बलात्कार किया जाना चाहिए। क्या यह राहुल गांधी का देश के लोगों के लिए संदेश है? बता दें कि राहुल गांधी ने 7 दिसंबर को महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए कहा था कि भारत दुनिया की रेप कैपिटल के तौर पर जाना जाता है। राहुल गांधी ने कहा था कि दूसरे देश हमसे पूछते हैं कि क्यों भारत अपनी बहनों और बेटियों की रक्षा नहीं कर पाता। संसद के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है। आज संसद पर हमले की बरसी भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व पीएम और कांग्रेस सांसद मनमोहन सिंह सहित अन्य पार्टियों के नेताओं ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वहीं प्रश्नकाल शुरू होने से पहले लोकसभा में बीजेपी सांसदों ने राहुल गांधी के बयान पर हंगामा किया। बीजेपी ने राहुल गांधी के रैप कैपिटल और साध्वी प्रज्ञा को आतंकी बताने वाले बयान पर हंगामा किया है। बीजेपी सांसदों ने राहुल गांधी से माफी की मांग की है। केंद्रीय संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि हमने मेक इन इंडिया का नारा दिया था, राहुल गांधी को क्या हो गया है? राहुल गांधी भारतीय महिलाओं और भारत के बारे में क्या सोचते हैं? वहीं स्मृति ईरानी ने कहा कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस नेता रेप जैसे मामले पर ऐसा बयान दे रही हैं। वह सार्वजनिक तौर पर कहते हैं कि रेप करो, राहुल क्या यह कह रहे हैं? भारतीय पुरुषों को महिलाओं का रेप करना चाहिए? गजेंद्र सिंह ने कहा कि राहुल गांधी आए और माफी मांगे। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि राहुल गांधी ने देश की महिलाओं को क्या समझ कर रखा है। वहीं स्मृति ईरानी ने यह भी कहा कि राहुल गांधी क्या संदेश देना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी क्या कहना चाह रहे हैं, वो यह कहना चाह रहे हैं कि भारतीय महिलाओं का रेप होना चाहिए। वो ऐसा बयान कैसे दे सकते हैं? बीजेपी सांसद ने राहुल से माफी की मांग की है। देखिए संसद में जब जमकर क्या हंगामा हुआ। मैं अध्यक्ष जी आपका संरक्षण चाहती हूँ। देश की महिलाओं के लिए एक गांधी खानदान के सांसद ने आह्वान किया महिलाओं का बलात्कार होना चाहिए, क्या आप उसको दंडित करेंगे? आज मैं आपसे देश के परिवारों की ओर से अपील करती हूँ, हर पुरुष, हर भाई, हर पिता बलात्कारी नहीं, महिला इस देश की उनकी बपौती नहीं है कि वो आह्वान करेंगे कम रेप इन इंडिया। गिवन बाय पॉलिटिकल लीडर ही शुड बी पनिश्ड पॉलिटिकली यूजिंग विमेन एज अ टूल फॉर मॉकिंग हिज पॉलिटिकल ओपोनेंट। रेप इन इंडिया का ये दुस्साहस स्टेटमेंट देने का उन्होंने जो किया है, जब भी एक महिला सांसद और हम सब की ओर से आपसे अपील करती हूँ, देश आपकी ओर देख रहा है, उसे दंडित कीजिए। एक्सीडेंट करवाया गया। नरेंद्र मोदी ने एक शब्द नहीं कहा, कोई कार्रवाई नहीं। देखिए हुआ क्या है, नरेंद्र मोदी जी हिंसा का प्रयोग करते हैं, हिंसा फैलाते हैं और आज पूरे हिंदुस्तान में हिंसा है। महिलाओं पे हिंसा हो रही है, नॉर्थ ईस्ट में हिंसा हो रही है, कश्मीर में हिंसा हो रही है, पूरे देश में हिंसा ही हिंसा है। और जो हमारी स्ट्रेंथ थी, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी इकोनॉमी, आज रघुराम राजन जी मेरे से मिले और उन्होंने मुझे कहा कि अमेरिका में, यूरोप में हिंदुस्तान की बात ही नहीं हो रही है, और जब बात होती है इकोनॉमी की बात नहीं होती है। अत्याचार, डिविजन, हिंसा, इन चीजों की बात होती है। तो जो हमारा रेप्युटेशन था वो पूरा का पूरा उड़ा दिया। ये बातें मैंने कल अपनी स्पीच में कही। नरेंद्र मोदी जी को यह भी जवाब देना है
महिलाओं की बात तो है, मगर ये भी जवाब देना है कि हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी थी उसको उन्होंने नष्ट क्यों किया। ये भी जवाब देना है कि हिंदुस्तान के युवा जिनके पास रोजगार था उनसे नरेंद्र मोदी ने रोजगार। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।